शहीद हुए जवानों का आज अंतिम संस्कार, राजकीय सम्मान के साथ किया जा रहा अंतिम संस्कार। शहीद सैनिकों का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा। शहीदों की शहादत पर पूरे गांव में मातम का माहौल। इस बीच खबर है कि पंजाब सरकार ने शहीदों के परिवार को 1-1 करोड़ की सम्मान राशि देने का ऐलान किया है। बता दें आपको कि 20 अप्रैल को पूंछ हमले में शहीद हुए थे ये जवान। पूंछ में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला करने वाले आतंकियों का अब तक कोई सुराग नहीं। पिछले 45 घंटे से चल रहा बड़े पैमाने पर आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन, देर रात पूरे इलाके को कार्डन ऑफ करके आतंकियों की तलाश की गई। पूंछ और राजौरी के जंगलों में आतंकियों को तलाशा जा रहा है। आतंकियों के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। आतंकियों के पकड़ने के लिए ड्रोन और स्नीफर डॉग्स की भी मदद ली जा रही है। सेना के सूत्रों के मुताबिक आतंकियों को चुन चुन कर मारा जाएगा। एनसीपी के कार्यक्रम में शरद पवार ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा दो बच्चों की लड़ाई होने पर दी जाती है ईडी की धमकी। साथ ही कहा ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस दौरान शरद पवार ने पुलवामा अटैक और नरोदा हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा सैनिकों को समय रहते जरूरी सुविधा नहीं दी गई, इस वजह से जवान शहीद हुए। एनसीपी में मची उथल पुथल के बीच पुणे में अजीत पवार के समर्थन में पोस्टर्स लगे। अजीत पवार को जनता के मन का मुख्यमंत्री बताया गया। पुणे के कोथरूड इलाके में ये पोस्टर्स चस्पा किए गए। मुंबई में एनसीपी कार्यकर्ताओं के शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर शरद पवार की अगुवाई में लगाई गई है, लेकिन हैरानी की बात है कि एनसीपी की तरफ से जो नेता बैठक में बुलाए गए उनमें अजीत पवार का नाम है ही नहीं। कोलकाता में ईद के मौके पर एक आयोजन में शामिल हुई ममता बनर्जी। ममता ने कहा हम बंगाल में शांति चाहते हैं, दंगे नहीं। ममता बोली जो देश को बांटना चाहते हैं, जो देश का बंटवारा करना चाहते हैं, मैं अपनी जान देने को तैयार हूं, लेकिन देश को बंटने नहीं दूंगी। आज से बदल जाएगा कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पता। मां सोनिया गांधी के साथ 10 जनपद वाले घर में रहेंगे राहुल। लोकसभा सचिवालय को राहुल 12 तुगलक रोड बंगले की चाबी सौंपेंगे। कल बंगले से सारा सामान खाली कर दिया गया है। अब राहुल मां सोनिया गांधी के साथ उनके घर पर रह रहे हैं। सांसद जाने के बाद राहुल गांधी से 22 अप्रैल तक बंगला खाली करने के लिए कहा गया था। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को सीबीआई का समन। भ्रष्टाचार पर खुलासे को लेकर 27 से 29 अप्रैल को होगी पूछताछ। इंश्योरेंस घोटाले में जुड़े मामले में जानकारी लेना चाहते हैं सीबीआई। इस बीच मलिक बोले मैं सच्चाई के साथ खड़ा हूं, कांग्रेस केजरीवाल ने किया समर्थन। अतीक अशरफ के शूटर्स के मोबाइल फोन्स मिले। शूटर्स की निशानदेही पर प्रयागराज के होटल से बरामद किए गए फोन। एसआईटी को बिना सिम कार्ड के दो मोबाइल फोन मिले हैं। एसआईटी दोनों फोन की फॉरेंसिक जांच कराएगी। फोन की फॉरेंसिक जांच से डेटा रिकवर किया जाएगा। PSLV C-55 की लॉन्चिंग आज इसरो। आज दोपहर 2:19 पर PSLV C-55 रॉकेट लॉन्च करेगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सिंगापुर के 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। इसरो के प्लेटफॉर्म पोएम के साथ उड़ान भरेंगे सैटेलाइट। दोनों सैटेलाइट धरती की निचली कक्षा में स्थापित किए जाएंगे। ये PSLV की 57वीं उड़ान है। देश में कोरोना के मामलों में भारी उछाल। पिछले 24 घंटे में 12,193 नए कोरोना मरीज मिले। एक्टिव मरीजों की तादाद 67,000 से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटों में 42 लोगों की मौत, इसमें से 10 मौत अकेले केरल से है। दिल्ली की बात करें तो 24 घंटे में कोरोना के 1,527 नए केस दर्ज किए गए। 3 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कल कोरोना के 993 नए मामले सामने आए। पुणे में हैरान करने वाली घटना। 14 साल के बच्चे की क्रिकेट खेलते समय हार्ट अटैक से मौत। क्रिकेट खेलते हुए अचानक सीने में तेज दर्द हुआ। पिता ने बच्चे को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन अस्पताल में बच्चे ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर के मुताबिक बच्चे को गंभीर दिल का दौरा पड़ा था।